तो डियर फ्रेंड हम यहाँ से बता दें, जो सीआरएस के साथ में ट्रेन चलकर आई हुई थी, जो इसके साथ में अधिकारी आए हुए थे, तो इस ट्रेन पर हम भी बैठ गए कि ये ट्रेन अब सीधा दोहरी घाट जाएगी अपने घोसी स्टेशन से, मगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो उल्टा हो गया, ये सीधा इंदारा जंक्शन को जाने लगी है। तो इसी वजह से जो है कि हम दोहरी घाट स्टेशन का वीडियो हम नहीं बना पाए, क्योंकि ट्रेन उल्टा चलना स्टार्ट हो गई है, ये सीधा जा रही है अपना इंदारा जंक्शन को, और जो भी अधिकारी लोग हैं वो सीधा जाएंगे अपने दोहरी घाट स्टेशन पे। तो भाई काफ़ी समय भी हो चुका है और काफ़ी रेगुलर 4-5 दिनों से हम बैक टू बैक आपको वीडियो दिखा रहे हैं, और इस टाइम में अगर हम दोहरी घाट जाएंगे तो काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और कोई ऐसा भी नहीं है जो हमें वीडियो बना के दे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग जो है कि ट्रेन बैठकर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इस जितने भी सारे बच्चे लोग हैं इस ट्रेन के अंदर में सफ़र कर रहे हैं, जो इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं ट्रेन को देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये साहब भी आ चुके हैं, अब जो ट्रेन का गेट यहाँ पर बंद कर दिए, सारे बच्चे लोग अंदर के साइडों में बंद हो चुके हैं, और हमें लगता है कि ये सब लोग जितने अंदर बच्चे बैठे हुए थे ये सब इंदारा जंक्शन सीधा चले जाएंगे। हमें नहीं लगता है कि ओपन होगा डोर, तो थोड़ा सा इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि ओपन होता है कि नहीं होता है डोर, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बता दें कि ये जो ट्रेन आई हुई है, ये जो इस ट्रेन के आगे पीछे जो इंजन लगे हुए हैं, इसी तरह से जो यहाँ पर मेमो ट्रेन चलने वाली है, जो भी दो ट्रेनें यहाँ पर इंदारा दोहरी घाट रेल लाइन पर चलाई जाएंगी, तो उनके पीछे भी आगे पीछे दो इंजन लगे रहेंगे, जो आगे से चलेंगे और पीछे से भी चलने वाले हैं। तो उस दिन